हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बिल्कुल ही नए सब्जेक्ट के ऊपर, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सेफ्टी। इस सीरीज़ को मैं स्टार्ट कर रहा हूं और कोशिश करूंगा कि आपको जो इम्पॉर्टेंट इसकी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता सकूं स्टेप बाय स्टेप। तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सेफ्टी। आज हम चर्चा करेंगे, आज जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो होगा बिल्डिंग के ऊपर। यदि आप सिविल इंजीनियर हैं या फायर सेफ्टी के साथ या हेल्थ एंड सेफ्टी के साथ इंजीनियरिंग कोर्स करना चाहते हैं या कर चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, साबित होगा। तो आप इस चीज़ को समझें और जानें। आज हम चर्चा शुरू करते हैं अपना बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। सबसे पहला वर्ड आता है, व्हाट इज़ बिल्डिंग। बिल्डिंग क्या है? बिल्डिंग को अगर आपसे ये बोला जाए कि बिल्डिंग को आप एक या दो शब्दों में एक्सप्लेन करिए, तो आप क्या करेंगे? बिल्डिंग को एक या दो शब्दों में एक्सप्लेन करिए, वह कौन सा वर्ड है जिसको बोलने से बिल्डिंग हम का पूरा मतलब समझ में आता है। तो यदि हम दो वर्ड्स जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, वॉल एंड रूफ, दो ऐसे वर्ड्स हैं जिनको अगर आप बोलते हैं तो ये बिल्डिंग का भाव, बिल्डिंग का सेंस क्लियर होता है। ठीक है, व्हाट इज बिल्डिंग। अगर इसी को और डिफाइन करते जाए तो इसके डेफिनेशंस और एक्सप्लेनेशन और निकलते जाएंगे, लेकिन मेरा मकसद आपको डिफिनेशन बताना नहीं है। मेरा मतलब आपको इन सब चीज़ों को कि जो पॉइंट्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको समझाना है। मैं कोशिश करूंगा कि उस चीज़ को बताऊं, क्योंकि आपने पॉलिटेक्निक में, आपने बीटेक में ये सारी चीज़ें पढ़ा हुआ है, हर चीज़ पढ़ा हुआ है, लेकिन उन्हीं से हम कुछ इम्पॉर्टेंट थिंग्स को यहाँ पे आपके पास एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर बिल्डिंग का जहाँ भी नाम आता है तो वहाँ दो शब्द हमेशा अपने जहन में रखें, यानी कीप इन माइंड वॉल एंड रूफ। ठीक है, अगर आप ये बोलते हैं कि द कॉम्बिनेशन ऑफ या द ग्रुप ऑफ या वॉल एंड रूफ का मिला जुला नाम बिल्डिंग होता है तो शायद गलत नहीं होगा। ठीक है, अगर अगले चरण में हम बात करें, अगले स्टेप में बात करें, व्हाट इज बिल्डिंग स्ट्रक्चर वेरियस कंपोनेंट्स। अब यहाँ पे बिल्डिंग के बाद कंपोनेंट्स आता है। जैसे एक बॉडी है, हमारी एक बॉडी है, सबका एक स्ट्रक्चर है, हाथ पाँव, ठीक है, हेयर, ये सब तमाम तरह की चीज़ें हैं, अलग अलग चीज सबको हम मिला के क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं, और उसके कंपोनेंट्स अलग अलग हैं। ठीक उसी तरह से एक बिल्डिंग है और इसके कंपोनेंट्स क्या क्या आते हैं, तो यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं आपके पास, वो हैं फाउंडेशन, वॉल, कॉलम, फ्लोर, रूफ, डोर्स, विंडो, वेंटिलेशन, स्टेयर, लिफ्ट एंड सरफेस। अब इन सारी चीज़ों को अगर देखिए, पहले हम वॉल और रूफ कहते थे बिल्डिंग के बारे में। अगर हम इस चीज़ को पूरा एक्सप्लेन करें कि एक ऐसा ढांचा, एक ऐसी आकृति, ठीक है, जिसमें फाउंडेशन, वॉल, कॉलम, फ्लोर, रूफ, डोर, विंडो, वेंटिलेशन, स्टेयर, लिफ्ट, सरफेस एक्सेट्रा शामिल हो, बेशक उसे हम बिल्डिंग कह सकते हैं। ठीक है, इसके पहले अगर हम दो वर्ड्स यूज करें, केवल वॉल एंड रूफ, दीवाल और छत, ये भी कंप्लीट है, दोनों ही कंप्लीट है। पहला जो है शॉर्ट टर्म है और दूसरा टर्म्स जो है वो थोड़ा एक्सप्लेन। अब इस चीज को याद रखना है तो क्या करेंगे, इसके लिए आप एक निमोनिक्स याद रख सकते हैं, बी इक्वल टू एफ डब्ल्यू सी एफ आर डी प्लस डब्ल्यू वी एस एल एस। ये एक फॉर्मूला हो सकता है आपके लिए, ये बहुत ही इजी वे में आप इसको याद कर सकते हैं। यहाँ बी क्या है, बी इट मीन्स बिल्डिंग, ओके फाइन, एंड एफ इक्वल टू वॉल, ठीक है, डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, सॉरी एफ इक्वल टू फाउंडेशन, डब्ल्यू इक्वल टू वॉल, सी इक्वल टू कॉलम, एफ इक्वल टू फ्लोर, आर इक्वल टू रूफ, डी इक्वल टू डोर्स, डब्ल्यू इक्वल टू विंडो, एंड वेंटिलेशन के लिए वी, स्टेयर्स के लिए एस, एल के लिए लिफ्ट एंड सरफेस। सो इट इज़ अ टाइप्स ऑफ निमोनिक्स, इट इज़ अ शॉर्ट टर्म्स बिल्डिंग को बेहतर तरीके से आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि कोई चीज़ें छूटे ना। अब हमारी आती है नेक्स्ट टॉपिक की बात हम करें, ये तो हुआ बिल्डिंग के बारे में जनरल आइडिया, हम लोगों ने जनरल प्रेडिकेशन देखा। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बिल्डिंग, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग कितने प्रकार के होते हैं, या टाइप्स ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के प्रकार। तो एज पर नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया, बिल्डिंग्स आर क्लासिफाइड इंटू 9 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेंसी सच एज, यानी
ये जो नेशनल बिल्डिंग कोड है भारत में, उसके आधार पर बिल्डिंग्स को 8 भागों में उसके कार्य क्षेत्र के अनुसार, व्यवसाय के अनुसार उसे हम 9 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप ई, ग्रुप एफ, ग्रुप जी, एच एंड आई। अब इसका अलग अलग है। ग्रुप ए में क्या क्या आता है? ग्रुप ए इज ऑल्सो रिलेटेड टू रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, ठीक है। ग्रुप ए की जहां भी बात आएगी वो क्या होगा? रेजिडेंशियल बिल्डिंग। बी की बात आएगी एजुकेशनल बिल्डिंग, सी इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, असेंबली बिल्डिंग। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि 9 ग्रुप्स हैं, ठीक है। अगर ग्रुप एच की बात करें तो ग्रुप एच कौन सी, किस तरह की बिल्डिंग होगी? स्टोरेज बिल्डिंग। ग्रुप आई किस तरह की बिल्डिंग होगी? हैजार्डस बिल्डिंग, ठीक है। ग्रुप एफ क्या होगा और ग्रुप ई क्या होगा? बिजनेस बिल्डिंग। इस तरह से आपके ये टाइप्स ऑफ बिल्डिंग होते हैं। तो इन इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करें तो बिल्डिंग को 9 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। चलिए एक एक करके इन सब चीज़ों के बारे में समझते हैं आगे क्या है। अगर ग्रुप ए की बात हम करें, रेजिडेंशियल बिल्डिंग की हम बात करें, तो ये क्या होगा? द बिल्डिंग ऑफ ग्रुप ए आर फर्दर डिवाइडेड इंटू 5 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू बिल्डिंग टाइप्स सच एज, ठीक है। तो ग्रुप ए को हम 5 सब ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 5 सब उप ग्रुप में, सब मतलब इसके ग्रुप होंगे। पहला आता है ग्रुप A1, ग्रुप A2, ग्रुप A3, ग्रुप A4 एंड ग्रुप A5। A1 जो होगा वो लॉजिंग एंड रूमिंग हाउस होगा। ग्रुप A2 होगा द फर्स्ट एंड टू फैमिली प्राइवेट डाइविलिंग्स, और ग्रुप A3 जो होगा डॉर्मेट्रीज, एंड A4 जो होगा फ्लैट आर अपार्टमेंट हाउस, A5 जो होगा आपका होटल्स। तो ये आपने देखा, रेजिडेंशियल बिल्डिंग को हम 5 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें अलग अलग ग्रुप के अनुसार कोई लॉज होगा, कोई रूम होगा, कोई अपार्टमेंट होगा, कोई डॉर्मेट्रीज होगा, ठीक है, फ्लैट्स होंगे, होटल्स होंगे। तो ये ग्रुप ए रहा। बाकी डिटेल तो आप देख सकते हैं, और सारी चीज़ें हम यहाँ पे शॉर्ट में चर्चा करते हुए चलेंगे, ताकि आपको एक बार मेमोराइज हो जाए, ताकि आपको सेफ्टी का वर्क करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और अगर आप बखूबी हर एक चीज़ को बहुत ही डीपली समझ सके। मैं एक चीज़ यहाँ बताना चाहता हूँ कि देखिए, कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है। इस ऑल ओवर वर्ल्ड्स में अगर कोई भी बंदा ये बोलता है, कोई भी पर्सन बोलता हो आई एम द परफेक्ट पर्सन ऑफ दिस फील्ड, सो मेरे ख्याल से उससे जैसे उनके बारे में मैं क्या वर्ड यूज़ करूँ, मेरे पास नहीं है। एवरीडे हम सीखते हैं, एवरीडे मैं भी सीख रहा हूं, एवरीडे आप भी सीख रहे हो। अंतर क्या है? कुछ वर्क का नॉलेज मुझे कुछ ज्यादा हुआ, आप अभी शुरू करने वाले हो, ठीक है। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो इन सब चीज को आपको एवरीडे जानना है और तमाम तरह की चीजों को आपको समझना है, ठीक है। ग्रुप बी की बात करते हैं तो ये होता है एजुकेशनल बिल्डिंग। एजुकेशनल बिल्डिंग से एक सेंस आता है, एजुकेशन से रिलेटेड जो भी वर्क होंगे या सॉरी जो भी बिल्डिंग्स होंगी उसे हम रखेंगे। लेकिन इनकी कैटेगरीज क्या है आइए देखते हैं। एनी स्कूल, कॉलेज, बिल्डिंग यूज फॉर एजुकेशनल पर्पज फॉर मोर देन 8 आवर्स ए वीक इन्वॉल्विंग असेंबली फॉर इंस्ट्रक्शन एजुकेशन सच एज स्कूल कॉलेज, ठीक है। एनी स्कूल कॉलेज बिल्डिंग्स, कोई भी स्कूल और कॉलेज का बिल्डिंग जो एजुकेशन पर्पज के लिए यूज किया जाता हो और उसमें सप्ताह में मोर देन 8 घंटे का उसमें वर्क होते हो और उसमें सप्ताह में एक दिन असेंबली जरूर होती हो, एक दिन असेंबली जरूर होती हो और उस असेंबली में कुछ दिशा निर्देश दिया जाता हो, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हो, कुछ एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें बताई जाती हों, तो वो जो होगा वो हमारा जो है एजुकेशनल बिल्डिंग के अंतर्गत वो हमारा आता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं। अब आगे अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आएगा ग्रुप सी। अगर ग्रुप सी की हम बात करें तो ग्रुप सी में इंस्टीट्यूशनल जो बिल्डिंग्स आते हैं ग्रुप सी में आ जाएंगे। अब देखिए, अब वहाँ एजुकेशनल था, यहाँ पे इंस्टीट्यूट से रिलेटेड बिल्डिंग्स है। दीज इंक्लूड एनी बिल्डिंग्स आर पार्ट देयर फॉर विच इज यूज फॉर पर्पज सच एज मेडिकल और केयर अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम फिजिकल और मेंटल इलनेस। तो ये सारी चीज़ें
अगर किसी पर्टिकुलर के पॉइंट पे वर्क हो रहा है, जैसे आप एक ऐसी बिल्डिंग का हम एग्जांपल लेते हैं जहां पर मेडिकल से रिलेटेड, मेडिकल केयर या बीमारियों को ठीक करने के लिए ये मेंटल या कुछ इस तरह की चीज़ें जो बहुत ही ज़रूरी है, इस तरह से कार्य होते हैं, वो हमारे इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स होते हैं। दीज ग्रुप इस कैन बी डिवाइडेड इंटू थ्री सब ग्रुप्स आर मेंशन बिलो। इसे हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला C1, ग्रुप C1 हॉस्पिटल, ठीक है, और C2 कस्टोडियल इंस्टीट्यूशन एंड C3 पैनल इंस्टीट्यूशन। इसको तीन ग्रुप में, सब ग्रुप में आप डिवाइड कर सकते हैं, जो ग्रुप सी आता है। अगर हम डी की बात करें, अब एक ग्रुप अगला जो आता है हमारा ग्रुप डी, जिसे हम कहते हैं असेंबली बिल्डिंग। एनी बिल्डिंग्स लाइक थिएटर, असेंबली हॉल, ड्रामा थिएटर्स, ऑडिटोरियम, रेस्टोरेंट, डांस हॉल, क्लब हाउस, स्पोर्ट स्टेडियम, जिमनेजियम, स्केटिंग रिंक्स एक्सेट्रा। ओके, दिस ग्रुप इज कैन बी डिवाइडेड इंटू फाइव सब ग्रुप्स आर मेंशन बिलो। इसे भी हम पांच भागों में डिवाइड कर सकते हैं, पांच भागों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे D1, D2, D3, D4 एंड D5। D1 की अगर हम बात करें तो ये रेज स्टेज की होती है बिल्डिंग्स होगी, जिसमें मोर देन 1000 पर्सन के लिए जगह होती है, व्यवस्था होती है, आप कह सकते हैं उस चीज़ को। D2 की बात करें, कैपेसिटी लेस देन 1000 पर्सन। D3 की बात करें, लॉबीज रूम और 300 पर्सन के लिए जगह होता है, लेस देन। और D4 की अगर हम बात करते हैं तो लेस देन 300 पर्सन के लिए होगा, स्पेस होगा। और D5 की बात करें तो आउटडोर असेंबली नॉट कवर्ड लाइक टेंट। टेंट का एग्जांपल आप आउटडोर असेंबली का एग्जांपल दे सकते हैं। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, क्योंकि आपने पॉलिटेक्निक और बीटेक में ये सारी चीज़ों को आपने किया है। बस मैं रिवाइज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको सिविल और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ाना है, मुझे आपको बताना है उन चीज़ों के बारे में जो कंस्ट्रक्शन सेफ्टी में वर्क होता है, उसके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि जब आप रिपोर्ट तैयार करते हैं, जब आप किसी केस की स्टडी करते हैं, उस समय ये काफ़ी मायने रखता है कि आप किसके बारे में क्या लिख रहे हैं। केवल बिल्डिंग लिख देने से काम नहीं चलता। अगर केवल बिल्डिंग शब्द का यूज आप करें तो वहाँ पे बहुत ही सो मेनी कन्फ्यूजन, बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा, कौन सी बिल्डिंग है, किस तरह की बिल्डिंग है, ठीक है। तो वहाँ पे ये डिटेलिंग आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होने वाला है और काफ़ी फायदेमंद साबित होने वाला है। इसके अलावा भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो आप स्टडी कर सकते हैं। मोस्टली ये सारी चीज़ें और इन ग्रुप्स के बारे में आपको मैंने बताया। बाकी अगर हम देखें लास्ट के जो है यहाँ पे असेंबली बिल्डिंग के बाद बिजनेस बिल्डिंग और मर्सेंटाइल, इंडस्ट्रियल स्टोरेज बिल्डिंग एंड हैजर्डस बिल्डिंग, ये अपने आप में स्वयं होते हैं, इनके सब ग्रुप्स नहीं होते हैं, ठीक है। और या इसमें तो नहीं पाए जाते इंडिया बेस पे अगर हम बात करें, बाकी अलग कंट्रीज में मे बी पॉसिबल कुछ चेंजेज हो सकते हैं, लेकिन इंडिया में इस तरह की बातें नहीं होंगी। तो फिर आगे अगर इस बेस को हम समझते हैं, फिर हम एक बात करेंगे एक वीडियो में, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या है बिल्डिंग का, उसके अकॉर्डिंग हम आपको सेफ्टी की चीज़ों को, एक एक चीज़ों को लेके चलने की कोशिश करेंगे। तब तक उम्मीद है आप इस चीज़ को समझिए, कोशिश करिए, इसको बार बार रीड करिए, बार बार समझने की कोशिश करिए, और कोशिश करिए कि निमोनिक्स के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करने की व्यवस्था अपनी बना लीजिए। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।